वक्ष्यामि इदं ज्ञानम्। I will narrate this knowledge। सवि ज्ञानम् ते अशेषतः। Along with special knowledge to you completely। ज्ञात्वा यत्। After knowing it। अन्यत् न अवशिष्यते इह ज्ञातव्यं भूया। The other won't remain in this world to be known again। अहं वक्ष्यामि इदं ज्ञानम्। सवि ज्ञानम् ते अशेषतः। ज्ञात्वा यत्। अन्यत् न अवशिष्यते इह ज्ञातव्यं भूया। Interpretation। I will narrate this advanced knowledge of the true Gita along with special knowledge that is yoked to you completely in detail through questions and answers. After knowing it, anything like the other Vedas or scriptures etc. won't remain in this world that has become useless to be known again for you, who has become Swa plus Darshan plus Chakradhari, that is the one who rotates the discus of self-realization. सुबह को सवेरे गुरु बन बैठते हैं याद की यात्रा में। इन द मॉर्निंग ही बिकम्स द गुरु एंड सिट्स इन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। इस समय टीचर बन बैठते हैं। ही बिकम्स अ टीचर एंड सिट्स नाउ। बाप तो है ही। द फादर इज सर्टनली देयर। सुबह में तुम भाइयों को बाप की याद में बैठाते हैं। You make the brothers sit in the father's remembrance in the morning. वो सब्जेक्ट है याद की। That is the subject of remembrance. फिर मुरली चलती है टीचर की। Then the murli of the teacher is played. ये है पढ़ाई की सब्जेक्ट। This is the subject to study. तो मुख्य है ही याद और पढ़ाई बस। So the main things are the remembrance and study, that's all. इनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। These are also called ज्ञान that is knowledge and विज्ञान that is science. विज्ञान है याद। Remembrance is विज्ञान। विज्ञान भवन नाम भी रखा हुआ है। They have even named a building विज्ञान भवन that is science center. परंतु कोई अर्थ थोड़े ही जानते हैं। बट नो वन नोज द मीनिंग ऑफ इट। कोई ने नाम रख दिया है। समवन हैज सिंपली नेम्ड इट। अभी हम तो कहेंगे ये है अच्छा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन। नाउ वी विल से दिस इज द बेस्ट ट्रू ज्ञान विज्ञान भवन दैट इज सेंटर ऑफ नॉलेज एंड योग। जहाँ बाप आकर के सिखलाते हैं। Where the father comes and teaches. ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। You receive the knowledge of the entire world through ज्ञान। विज्ञान अर्थात तुम योग में रहते हो। विज्ञान means you stay in योग। जिस योग में से तुम पावन बनते हो। Through which you become pure. तुमको विज्ञान का भी पता है। यू नो विज्ञान एज वेल। अभी बाबा द्वारा तुमको सारी दुनिया का मालूम पड़ जाता है। नाउ यू कम टू नो अबाउट द एंटायर वर्ल्ड थ्रू बाबा। सुबह को सवेरे गुरु बन बैठते हैं याद की यात्रा में। इन द मॉर्निंग ही बिकम्स द गुरु एंड सिट्स इन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। इस समय टीचर बन बैठते हैं। He becomes a teacher and sits now. बाप तो है ही। The father is certainly there. सुबह में तुम भाइयों को बाप की याद में बैठाते हैं। You make the brothers sit in the father's remembrance in the morning. वो सब्जेक्ट है याद की। That is the subject of remembrance. फिर मुरली चलती है टीचर की। Then the murli of the teacher is played. ये है पढ़ाई की सब्जेक्ट। This is the subject to study. तो मुख्य है ही याद और पढ़ाई बस। So the main things are the remembrance and study, that's all. इनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है।
These are also called ज्ञान that is knowledge and विज्ञान that is science. विज्ञान है याद. Remembrance is विज्ञान. विज्ञान भवन नाम भी रखा हुआ है. They have even named a building विज्ञान भवन that is science center. परंतु कोई अर्थ थोड़े ही जानते हैं. But no one knows the meaning of it. कोई ने नाम रख दिया है. Someone has simply named it. अभी हम तो कहेंगे ये है अच्छा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन. Now we will say this is the best true ज्ञान विज्ञान भवन that is center of knowledge and yoga. जहाँ बाप आकर के सिखलाते हैं. Where the father comes and teaches. ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है. You receive the knowledge of the entire world through ज्ञान. विज्ञान अर्थात तुम योग में रहते हो. विज्ञान means you stay in योग. जिस योग से तुम पावन बनते हो. Through which you become pure. तुमको विज्ञान का भी पता है. You know विज्ञान as well. अभी बाबा द्वारा तुमको सारी दुनिया का मालूम पड़ जाता है. Now you come to know about the entire world through Baba. अब ये तो बच्चे जान गए हैं कि बरोबर हूबहू जैसे कल पहले हमने अपने ये मकान बनाए थे वो फिर जाकर के बनाएंगे. Now the children have realized that rightly, just like we built these houses of ours a kalpa ago, we will build them again exactly in the same way. वहाँ बनते तो बिल्कुल सहज हैं. There they are built very easily. क्योंकि साइंस जिसको कहा जाता है वहाँ तो ये साइंस नाम नहीं होगा. It is because something that is called science, there won't be the name science there. क्या? What? यहाँ साइंस नाम है वहाँ ये साइंस नाम नहीं होगा वो तो और ही कोई नाम होगा. Here the name is science. There won't be this name science there. The name will be something else. यहाँ तो साइंस साइंस करते रहते हैं. साइंस का हिंदी अक्षर का पता नहीं क्या है. Here they keep saying science science. They don't know the Hindi word for science. Bracket में लिखा है किसी ने कहा विज्ञान. It is written in brackets. Someone said विज्ञान. अभी विज्ञान और ज्ञान नाम तो इसने साइंस का रख दिया है. कोई है थोड़े ही. Now they have named science as विज्ञान and ज्ञान, but it isn't that. वहाँ ज्ञान विज्ञान तो महल को भी कहते हैं. ज्ञान और विज्ञान महल. विज्ञान महल बनाते हैं दिल्ली में. There they even name a building as ज्ञान विज्ञान. They say the palace of ज्ञान and विज्ञान. They build विज्ञान महल in दिल्ली. विज्ञान भवन नाम रख देते हैं. They name it विज्ञान भवन. ज्ञान और विज्ञान की बात तो वहाँ है नहीं. कहाँ? There isn't ज्ञान that is knowledge and विज्ञान there at all. Where? दिल्ली के ज्ञान विज्ञान भवन में ज्ञान विज्ञान की बात ही नहीं. There isn't ज्ञान and विज्ञान at all in the ज्ञान विज्ञान भवन of Delhi. तो अभी तुम जानते हो विज्ञान कहेंगे योग को. Now you know that योग will be called विज्ञान. सच्चा सच्चा योग और ज्ञान तो यही है. There is true योग and knowledge here itself. ज्ञान से हमको रतन मिलते हैं और योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं. सच्चा सच्चा ज्ञान और विज्ञान तो इनको ही कहा जाता है. We receive gems through the knowledge and we become ever healthy through yoga. These themselves are called as the truest Gyan and Vigyan.
वो लोग तो इतने सब नाम रख करके कुछ न कुछ डाल दिए, कोई भवन तो बनने का नहीं है। They have given so many names and kept some or other name. Certainly no building has to be built. योग और ज्ञान तो नालिज है, सहज योग और सहज ज्ञान, जिससे फिर वैकुंठ के भवन बनेंगे, मकान बनेंगे। योग एंड ज्ञान इज नॉलेज। द भवन दैट इज हाउसेस इन वैकुंठ विल बी बिल्ट थ्रू द इजी योग एंड इजी नॉलेज। भवन मकान को कह देते हैं। They call houses as bhavan. So, this knowledge ko apan sab jaan chuke hain. Now, we all have come to know about this knowledge. Ye hai na contrast. Gyan aur agyan. This is a contrast, isn't it? Knowledge and ignorance. Gyan is sachi ke bij roop ek baap se aata hai. Knowledge comes from the one seed form father of this world. ये सच्ची रूपी झाड़ है ना, इसका कोई एक बीज हो, बाप होगा ना। This world is like a tree, isn't it? It will have a seed form father, won't it? उससे ज्ञान आता है और बाकी मनुष्यों से साध से अज्ञान आता है। Knowledge comes from him and ignorance comes from all the other human beings. कोई भी विद्वान पंडित आचार्य शंकराचार्य या कोई भी धर्म पिताएं हो, सबसे अज्ञान आता है। बी एनी स्कॉलर पंडित लर्न्ड मैन आचार्य शंकराचार्य और एनी रिलीजियस फादर, इग्नोरेंस कम्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। फिर देखो ये ज्ञान और विज्ञान और अज्ञान, नाम तो दिए हुए। सो लुक, दे हैव सर्टेनली गिवन द नेम्स नॉलेज ज्ञान, स्पेशल नॉलेज विज्ञान एंड इग्नोरेंस अज्ञान। ज्ञान और विशेष ज्ञान, नॉलेज एंड स्पेशल नॉलेज। बाप कहते हैं विशेष ज्ञान है योग, याद। द फादर सेज योग, रिमेम्बरेंस इज द स्पेशल नॉलेज। अगर याद एक टिक न हो बे, एकाग्र न हो बे, तो वो ज्ञान अज्ञान है। इफ द रिमेम्बरेंस इज इन स्टडी एंड फोकस्ड दैट नॉलेज इज इग्नोरेंस। तो ये वहां भी ज्ञान विज्ञान भारत में। सो इवन देयर दिस नॉलेज एंड विज्ञान इन भारत, ये दिल्ली में बना हुआ है विज्ञान भवन। द विज्ञान भवन साइंस सेंटर हैज बीन बिल्ट इन दिल्ली। अब बनाया तो है विज्ञान भवन, परंतु अर्थ तो कोई भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं। वेल दे हैव डेफिनेटली बिल्ट इट, बट नो वन नोज इट्स मीनिंग, दे डोंट नो इट एट ऑल। जैसे भीतर बुद्धि, भीत दीवाल को कहा जाता है। इट इज एज इफ दे आर द वंस विद अ भीतर लाइक इंटेलेक्ट, अ वॉल इज कॉल्ड भीत। जो बच्चे बाप दादा के पास फ्रेश होने आए हैं, उनको बाप दादा कहते हैं कि कोई भी संशय हो। बाप दादा टेल्स दोस चिल्ड्रन हु हैव कम टू बाप दादा टू गेट रिफ्रेश दैट इफ देर इज एनी डाउट, कुछ भी ना समझाई हो, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, अंदर में कोई बात पूछने जैसी है, इफ देर इज एनीथिंग इन योर माइंड विच यू विश टू आस्क, वो बात अगर नहीं पूछते हैं, एंड इफ यू डू नॉट आस्क रिगार्डिंग दैट मैटर, तो नुकसान अपने ऊपर ही पड़ता है, देन यू कॉज लॉस टू योर सेल्फ। संशय हटा कर ही जाना अच्छा है। इट इज बेटर टू डिपार्ट ओनली आफ्टर रिमूविंग द डाउट। बाप के सामने आकर के भी संशय बुद्धि बन करके वापस गए, तो बाहर की दुनिया में वो संशय और भी चौड़ा होता जाएगा।
If one goes back with a doubtful intellect, even after coming in front of the father, then that doubt would keep expanding in the outside world. Then one would develop an opposite intellect. कभी भी कचरा अपने अंदर नहीं रखना है. One should never keep rubbish inside oneself. नहीं तो वो अंदर में संशय का कांटा रह जाएगा. Otherwise, the thorn of doubt would remain embedded inside. वो संशय का कांटा द्वापर युग से रावण राज्य में बहुत तकलीफ देगा. That thorn of doubt would cause a lot of pain in the kingdom of Ravan from the copper age. कोई फिर जा करके ऐसे नहीं कहे. Then someone should not go back and tell that कि बाबा से हमारा मिलन नहीं हुआ. We could not meet Baba. बाबा तो भरी सभा में कचहरी करते हैं. बाबा होल्ड्स अ कोर्ट ओपनली. पचड़ पट्टी बाहर निकाल देना चाहिए. वन मस्ट टेक आउट ऑल द गार्बेज. कोई पर्सनल बात है तो लिख करके देना चाहिए. इफ देयर इज एनी पर्सनल मैटर देन वन शुड गिव इट इन राइटिंग. थोड़े बच्चे हैं. देयर आर फ्यू चिल्ड्रन. कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं. One can ask anything that one wants to ask. जरा भी अंदर में संशय नहीं रहना चाहिए. There should not be any doubt inside. नहीं तो वो संशय वो कांटा दूसरों के दिल में लगाते रहेंगे. Otherwise, one would keep piercing others' hearts with that doubt, that thorn. कचरा इधर उधर फैलाते रहेंगे. One will keep spreading the garbage here and there. और अपने अंदर भी पाप बढ़ता जाएगा. एंड द सिन वुड कीप इंक्रीजिंग विद इन वन सेल्फ ऑल्सो. और दूसरों में भी पाप का समावेश कर देंगे. एंड वन वुड फिल अदर्स ऑल्सो विद सिंस. कोई बात समझ में नहीं आती है तो बार बार पूछ सकते हैं. इफ वन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग देन वन कैन आस्क अगेन एंड अगेन. पाप कहते हैं. द फादर सेज कि मैं तो बच्चों का सर्वेंट हूँ. आई एम द चिल्ड्रंस सर्वेंट. पूछने में कोई हर्जा नहीं है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग. बच्चों का सर्वेंट बन करके आया हुआ हूँ बच्चों को पावन बनाने के लिए. आई हैव कम एज अ चिल्ड्रंस सर्वेंट टू प्यूरिफाई द चिल्ड्रन. अंदर बाहर की सफाई चाहिए. Cleanliness is required inside out. लेकिन एक ही बाप ऐसा है. But there is only the one father. जो आज भी अपना है कल भी अपना रहेगा और परलोक में भी अपना रहेगा. Who is ours today? Who will remain ours tomorrow? And he will be ours in the supreme abode, that is परलोक as well. वो कभी पराया नहीं होता. He never becomes a stranger. तो वो बाप जो सदैव अपना है रूहानी बाप. सो दैट फादर हु इज ऑलवेज अवर्स द स्पिरिचुअल फादर. वो हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं. स्व माने आत्मा. ही मेक्स अस स्वदर्शन चक्रधारी. स्व मीन्स द सोल. दर्शन माने देखना. दर्शन मीन्स टू सी. चक्र माने 84 का चक्र. एंड चक्र मीन्स द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स. 84 के चक्र में हमारी आत्मा ने कैसे कैसे पार्ट बजाया है वो बताते हैं. He tells us what kind of parts our soul has played in the cycle of 84 births. एक जन्म की बात नहीं बताते. He doesn't tell us about one birth. आत्मा ऐसा रिकॉर्ड है. The soul is such a record. जिसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है. Which has the imperishable parts of the 84 births recorded in it. वो अविनाशी पार्ट की बात बता करके हम आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं. He makes us souls स्वदर्शन चक्रधारी by telling us about those imperishable parts. उन गुरुओं ने क्या समझ लिया? What did those gurus think? कि भगवान ने कोई रथ का पहिया लिया
और वो घुमाया। गॉड टुक द व्हील ऑफ अ चैरियट एंड रोटेटेड इट। वो सुदर्शन चक्र था। दैट वॉज द सुदर्शन चक्र। अब उस रथ के पहिए की बात नहीं है। नाउ इट इज नॉट अबाउट दैट व्हील ऑफ अ चैरियट। ये शरीर रूपी रथ है। दिस इज द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ चैरियट। शास्त्रों में क्या कहा है? व्हाट इज सेड इन द स्क्रिप्चर्स? शरीरम रथम विद्धे। शरीरम रथम विद्धे। इंद्रियाणि हयान्याहु। इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। दैट इज कंसिडर द बॉडी टू बी अ चैरियट एंड द इंद्रिया टू बी हॉर्सेस। इंद्रिया पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज टू परफॉर्म एक्शंस एंड द सेंस ऑर्गन्स। तो ये शरीर रूपी रथ है। सो दिस इज द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ चैरियट। इस रथ में ये स्व आत्मा बैठी हुई है। दिस स्व सोल इज सिटिंग इन दिस चैरियट। ये आत्मा को 84 के चक्र में कैसे हम अपना पार्ट बजाते हैं वो बाप बताते हैं। द फादर टेल्स दिस सोल ऑफ अवर्स हाउ वी प्ले अवर पार्ट इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स। अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। दैट मीन्स यू कम टू नो अबाउट दिस साइकिल ऑफ द 84 बर्थ्स। क्या 84 के चक्र में हमारी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है? वॉट काइंड ऑफ पार्ट्स अवर सोल प्लेज इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड। ये सृष्टि क्या है? वॉट इज दिस वर्ल्ड? स्टेज है ड्रामा का। इट इज द स्टेज ऑफ अ ड्रामा। ये दुनिया विराट ड्रामा है। दिस वर्ल्ड इज अ वास्ट ड्रामा। इस ड्रामा में हम आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं? वॉट काइंड ऑफ पार्ट डू वी सोल्स प्ले इन दिस ड्रामा? वो सारे चक्र को हम जान जाते हैं। वी कम टू नो दैट इंटायर साइकिल। किसके द्वारा? थ्रू होम। बाप के द्वारा। थ्रू द फादर। आगे नहीं जानते थे। वी डिडंट नो दिस अर्लियर। बाप कहते हैं, फादर सेज, मुझे जानने से तुम मेरे द्वारा सब कुछ जान जाओगे। By knowing me, you will come to know everything through me. मुझे जानने से? What? By knowing me? मैंने मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस रूप को जानने से। That means who am I, how am I, and the form in which I am playing my part by knowing that form. अगर उस स्वरूप को प्रैक्टिकल में जान लिया, If you have known that form practically, पहचान लिया, मान लिया और अपना बना लिया, Recognized him, accepted him and made him your own. तो मेरे द्वारा कुछ भी तुम्हें ऐसी चीज नहीं रहेगी दुनिया की जानने के लिए जो तुम जान न सको। Then there will be nothing in the world that you cannot know through me. क्योंकि हर आत्मा को पहले तो अपने से प्यार होता है। Because every soul is first in love with itself. अपने अनेक जन्मों से भी प्यार होगा। Naturally he will be in love with his numerous births also. तो हर आत्मा की जो ख्वाहिश है, So it is every soul's wish. कि अनेक जन्मों में मेरा क्या पार्ट है? To know what is my part in various births. मैं कैसे सुख दुख का पार्ट बजाती हूँ? How I play the part of happiness and unhappiness. वो प्राप्ति सहज सहज स्व को पहचानने की हो जाती है। That attainment to know self is acquired very easily. बाकी और तो कुछ भी पूछने का नहीं रहेगा। As for the rest, nothing else will be left for asking. इस बात के अलावा, Apart from what matter? अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का कनेक्शन का पता चल जाए। If we come to know the connections of many births of the soul, कि किस देश विशेष में कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन आत्माओं के बीच में हमको पार्ट बजाने हैं। As to in which country, where and how, with which souls we are to play the part. कैसे कैसे संबंधों से पार्ट बजाना है। With which relationships are we to play the part. वो सारी ही अगर सच्चाई का अपने बारे में पता चल जाए तो और कुछ जानने को नहीं कहा जाता। If we come to know the whole truth of ourselves, then nothing more will be left to be known. अति सहज ज्ञान है। It is very easy knowledge. ज्ञान है ना, सेकंड में जनक को राजाई मिली। It is sung, isn't it, that Janak got kingship in a second. तो ये ईश्वर की नॉलेज है। So this is God's knowledge. ईश्वर की नॉलेज को तोड़ मरोड़ करके
शास्त्रों में भक्ति में देखो क्या बनाई दी है. लुक वॉट दे हैव मेड दैट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स इन द पाथ ऑफ भक्ति बाय मिस इंटरप्रिटिंग गॉड्स नॉलेज. ज्ञान का सारा सूत मुझा हुआ है. द एंटायर थ्रेड ऑफ नॉलेज इज एंटेंगल्ड. और शास्त्रों का सार तो फिर भी बाप को ही आकर बताना पड़ता है. एंड द फादर हिमसेल्फ हैज टू कम एंड एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स. कहते हैं इन शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है. ही सेज दीज स्क्रिप्चर्स आर फिल्ड विद हस्क. जो भी सार है वो तो मैं आकर के बताता हूँ. आई कम एंड नरेट द एसेंस. बाप आकर के सारा सूत सुलझाते हैं. द फादर कम्स एंड अनटैंगल्स द एंटायर थ्रेड. दुनिया में और गुरु हुए हुए वो भी ज्ञान सुनाते रहे. There have also been other gurus in the world. They too narrated knowledge. प्रश्नों का समाधान करते रहे. They gave solutions to the questions. उन गुरुओं से भी कितने खुश हो जाते. People used to become so happy with those gurus too. वो तो झूठे गुरु. और यहाँ तो तुमको पढ़ाने वाला सच्चा बाप मिला है. They are in fact false gurus and here you have found the true father who teaches you. कोई कहे ये कैसे? तो ये ऐसे कि जो भी मन में लगते हैं गुरुओं के. Someone may say, how can this be possible? So it is like this in the gatherings which are organized by the gurus. अपने मजमे में कोई को प्रश्न करने की इजाजत नहीं देते. और बाप? They do not permit anyone to raise questions in their gatherings. And what about the father? बाप कहते हैं तरीके से अगर ज्ञान में चलते हैं तो सब प्रश्नों का समाधान मिल सकता है और देते हैं. The father says if one follows the path of knowledge properly then he can get answers to all the questions and he gives the answers. बाप तो ज्ञान का सागर है. उसका ज्ञान कोई पुस्तकों में बंधा हुआ नहीं है. The father is the ocean of knowledge. His knowledge is not bound in books. वो गुरु लोग जो प्रश्नों का जवाब देते हैं वो शास्त्रों को पढ़कर के जवाब देते हैं या बिना शास्त्रों के पढ़े जवाब दे देते. Those gurus who give answers to questions, do they give the answers by reading from the scriptures or do they give the answers without reading the scriptures? शास्त्र और किताब वो तो सीमित होती है. क्या उनकी सीमा है? और भगवान बाप जो सुनाते हैं उसकी सीमा नहीं है. The scriptures and books are limited. What? There is a limit to that. And whatever Godfather narrates does not have any limit. जैसे सागर की कोई सीमा नहीं. कितना गहरा है दुनिया में आज तक कोई जान नहीं सका. कोई वैज्ञानिक नहीं जान सका कि सागर की गहराई कितनी है. Just as the ocean is limitless, nobody in the world has been able to fathom its depth till today. No scientist could know how deep the ocean is. ऐसे ही भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं उसके लिए तो कहा जाता है सारे जंगल की कलम बनाओ और सारे सागर की स्याही बना दी जाए और उससे लिखा जाए तो भी ज्ञान खूटेगा नहीं. Similarly for the knowledge that God comes and gives, it is said if you make the entire forest into pens and if the entire ocean is made into ink and if one writes with it, even then the knowledge will not finish.
इतना असीम सागर है ज्ञान का। ही इज सच एन अनलिमिटेड ओशन ऑफ नॉलेज। अभी वो ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। नाउ दैट नॉलेज द वर्सेस ऑफ द वेदास वेदवाणी दैट इमर्ज्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा। वो वेदवाणी अब ज्ञानामृत अर्थात गीता ज्ञानामृत के रूप में हमारे सामने आ रही है। दोज वर्सेस ऑफ द वेदास आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ द नेक्टर ऑफ नॉलेज दैट इज द नेक्टर ऑफ द नॉलेज ऑफ द गीता। उसका मंथन हो चुका है, हो रहा है और आगे चल करके देवताओं और आसुरों के द्वारा सबके द्वारा उसका पूरा मंथन होगा, नंबर वार होगा। इट्स जर्निंग हैज बीन डन इज गोइंग ऑन एंड लेटर ऑन इट्स कम्प्लीट जर्निंग विल टेक प्लेस नंबर वाइज दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी थ्रू ऑल द डेटीज एंड द डीमंस। जो जितना मंथन करेगा द मोर समवन चर्न्स उतना उतना गहराई में जाकर अपने अनेक जन्मों को क्लियर करेगा। ही विल गो डीपर टू दैट एक्सटेंट एंड क्लियर हिज मेनी बर्थ्स। तो हमको अब हुक्म मिला हुआ है सिर्फ मुझे निराकार बाप से सुनो। सो नाउ वी हैव रिसीव्ड द डायरेक्शन लिसन टू ओनली मी द इनकॉर्पोरियल फादर। तुम्हारी तो फिलॉसफी की बातें हैं। योर सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी। तुम डॉक्टर ऑफ भक्ति हो। यू आर द डॉक्टर ऑफ भक्ति। ये हमारी है स्पिरिचुअल नॉलेज। दिस इज अवर स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल बाप ही ये नॉलेज देते हैं। ओनली द स्पिरिचुअल फादर गिव्स अस दिस नॉलेज। इसलिए उन जिस्मानी ज्ञान सुनाने वालों के साथ बात करना फालतू है। Therefore, it is useless to speak to those who narrate bodily knowledge. Time waste हो जाता है। It is a waste of time. बाप कहते हैं hear no evil. The father says hear no evil. उनकी बातें सुनना नहीं। Don't listen to their words. हम एक भगवान से सुनते हैं, हम कोई देहधारी से सुनना नहीं चाहते। We listen to one God. We don't want to listen to any bodily being. तुम मनुष्य से सुनते हो। You listen to human beings. जो भी सुनाने आए तो क्या कहो। Whoever comes to narrate their knowledge, what should you say to them? तुम मनुष्य से सुनते हो और हम। You listen to human beings. And what about us? हम एक निराकार बाप से सुनते हैं। We listen to the one incorporeal father. तो रात दिन का फर्क हो जाता है। So there is a difference of day and night. बड़े बड़े विद्वान आदि सब शास्त्र पढ़ते हैं। ग्रेट स्कॉलर्स एटसेट्रा ऑल ऑफ देम रीड द स्क्रिप्चर्स। वो शास्त्र तो 63 जन्म हमने भी बहुत पढ़े हैं। वी टू हैव रेड दो स्क्रिप्चर्स अ लॉट इन द 63 बर्थ्स। अब भगवान कहते हैं नाउ गॉड सेज तुमने बहुत गुरु गोसाई आदि किए। यू हैव केप्ट मेनी गुरुज एंड होली मैन एटसेट्रा। अब उन सबको छोड़ दो। नाउ लीव ऑल ऑफ देम। मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। लिसन टू व्हाट आई नरेट। भगवान है ही निराकार। गॉड इज इंडीड इनकॉर्पोरियल। उनका नाम शिव है। हिज नेम इज शिव। क्या कहा। व्हाट वॉज सेड। उनका कहके दूर क्यों कर दिया। व्हाई डिड ही मेक हिम फार अवे बाय सेइंग हिज उनका। क्योंकि सन 66 में वो निराकार भगवान नहीं सुनाया रहा था। बिकॉज इन द ईयर 66 That incorporeal God was not narrating the knowledge. इसलिए भविष्य के लिए इशारा किया कि उनका नाम शिव है जो निराकार है। That is why he gave an indication for the future that his name is Shiv. He is the one who is incorporeal. अब हम उनसे सुनते हैं। Now we listen to him. और कोई देहधारी से नहीं सुनते हैं। We don't listen to any other bodily being. बाप खुद अपना परिचय और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। The father himself gives his introduction and the introduction of the beginning, the middle and the end of the creation. फिर आपके शास्त्र आदि की बातें हम सुने क्यों जब भगवान हमको सुनाते हैं। Then why should we listen to your topics of scriptures etc. when God himself narrates to us? इस गीता में भी श्लोक है ना। यावानर्थो उद्पान येषु। देयर इज अ श्लोक वर्स इन द गीता टू यावानर्थ उद्पान येषु इज इन देयर।
एक ऐसा श्लोक आया है जिसका अर्थ है कि सच ए श्लोक हैज अपियर्ड इन द गीता विच मीन्स दैट गड्ढे गड़ीचियों और नदियों में तब तक कोई का प्रयोजन रहेगा जब तक उसे सागर न मिल जाए. समवन विल लीड द डिचेस एंड पिट्स एंड रिवर्स ओनली अंटिल ही फाइंड्स द ओशन. जब साक्षात ज्ञान का सागर ही उसे मिल जाए तो गड्ढे गड़ीचियों में स्नान क्यों करेगा. When he finds the ocean of knowledge in a visible form, why will he bathe in the ditches and pits? ऐसे ही ये बात यहाँ है कि हमको ज्ञान का सागर मिला हुआ है. It is the same case here as well that we have found the ocean of knowledge. हम limited बुद्धि वाले मनुष्यों से क्यों सुने? Why should we listen to the human beings with a limited intellect?